हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे सेप्टक टेक्निकल एनालिसिस में। आज हम क्रूड ऑयल की एनालिसिस करेंगे। उससे पहले मेरा डिस्क्लेमर है कि इस वीडियो में जो भी स्टडी और एनालिसिस कर रहे हैं ओनली एजुकेशनल लर्निंग पर्पज से, ना कि ट्रेडिंग पर्पज से। यदि आप ट्रेड करते हैं तो उसमें हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जो भी ट्रेड करें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय लेकर के ट्रेड करें। आज वीकेंड होने के कारण मैं क्रूड ऑयल में कंप्लीट स्टडी एनालिसिस करूंगा। गैन टाइम प्राइस एनालिसिस के बेसिस पे भी चेक करेंगे कि कहाँ पे क्रूड का टॉप बन सकता है और कौन से डेट को। तो इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्रूड ऑयल की जो इस हफ्ते में बहुत अच्छा खासा रैली देखी गई है, इस रैली का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पॉइंट कहाँ से आने वाला है। ऑलरेडी ये ऊपर के लेवल पर ट्रेड हो रहा है, अब यहाँ से जो रिवर्सल आएगा कौन से लेवल से आएगा उसकी कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो गैन टाइम प्राइस एनालिसिस के बेसिस पे क्रूड ऑयल 4305 का जो लो बनाया था 6 जून को और 22 मई के हाई से इसने लो बना, इस लो के बेसिस पे जो रिवर्सल का डेट आया हुआ है 2 जुलाई तक ये हाई बनाएगा। मतलब कि मंडे तक ये हाई बनाने के इसके डेट है। उसके बाद इसमें दो डेट जो है 5 जून और 14 जून इसके बीच में ये टॉप आउट फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद 21 से लेकर के 29 जून तक बॉटम बनाने की तैयारी करेगा। मींस कि रियल ब्रेकडाउन जो होगा 21-22 जून के बाद होगा। अगर सैटरडे बीच में वीकेंड होगी, छुट्टी होगी, तो वो नेक्स्ट डेट में चला जाएगा, मतलब एक दिन आगे शिफ्ट हो जाएगा। और उसके बाद एक बॉटम बनेगा 22 जुलाई तक एक बॉटम बनने के चांसेस होंगे। तो 22 तारीख को मे भी रिवर्सल का मींस वहां से टॉप आउट या तो बॉटम बन जाएगा, तो वहां पे हम स्टडी करेंगे। क्योंकि 22 जुलाई तक ये ट्रेंड कंप्लीट हो जाएगा, मींस टॉप आउट फॉर्मेशन कंप्लीट होने के बाद 22 जुलाई के बाद इसमें ये बॉटम बनने के चांसेज होंगे। लेकिन जो टॉप बनने वाला डेट है ये 2 जुलाई तक और 28 जुलाई के बीच में, मींस कि 2 जुलाई से लेकर के 6 जुलाई तक एक टॉप आउट फॉर्मेशन बनेगा। मींस इसका पहला टारगेट डेट जो है 2 जुलाई है, जो अभी तेजी चल रही है ये जा कर के हाई, जैसे इसने कल भी एक तरीके से हाई के आसपास बंद हुआ है, उससे पहले भी हाई, लगातार हाई, तो 2 जुलाई को एक फाइनल हाई बनेगा। उसके बाद पैटर्न डेवलप होगा और 6 जुलाई से और आने वाले हफ्ते मींस इस हफ्ते में थोड़ा सा पैटर्न डेवलप होगा टॉप आउट फॉर्मेशन। उसके बाद मींस 5100 और 5000 या 4900 के रेंज में ट्रेडिंग होगा, जिससे पैटर्न डेवलप हो जाएगा। उसके बाद एक कंसोलिडेशन देखा जाएगा ऊपरी लेवल पे 14 जुलाई तक, और उसके बाद 21-22 जुलाई के बाद इसमें रिवर्सल तैयार होगा, जिसमें बहुत बड़ी गिरावट आने का चांसेज होगा। तो अभी इस सिनेरियो में क्रूड ऑयल में अगर ट्रेड करना है तो बेसिकली लेवल पर ट्रेड करें। जो कमोडिटी मार्केट का टेक्निकल लेवल एनालिसिस है, इसमें सेल ऑन राइज बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी यूज करें। अगर आप सेल करते हैं तो एक बहुत बड़े टारगेट के लिए सेल ना करें। एक पार्टिकुलर लेवल जो वोलेटिलिटी के बेसिस पे जो इसके लेवल आते हैं इंट्राडे, लाइक नीचे का अभी जैसे कि मंडे के लिए 5018 के आसपास इसका सपोर्ट होगा, तो यहाँ पे बाई करें और 5153 के आसपास जाए तो सेल करें। इसी तरीके से ऑर्बिट एंगल एनालिसिस के बेसिस पे इसको बाई कर सकते हैं 5100 के ऊपर, लेकिन आपको सेल ऑन राइज यूज करना है। तो 5136 के आसपास का हाई बने या 5160 के आसपास का हाई बने तो वहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी ले। एग्जैक्ट हाई पे नहीं, वहाँ से 15-10 पॉइंट नीचे आ जाए तो आप वहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढें। और 5100 का लेवल टूटे तो 5070 तक जाने के चांसेस होंगे। तो ऊपर के लेवल पे अगर ऊपर जाए तो सेल करें, 5060-70 के आसपास इसको प्रॉफिट बुक कर लें। अगर ऊपर ना जाए लेकिन लेवल अगर इसका टूट रहा है 5070 का, तो 5015 के टारगेट के लिए इसको आप शॉर्ट को होल्ड कर सकते हैं। तो सेल करें 5070 के नीचे, टारगेट होगा 5014 का। अगर 5160 का हाई बनता है तब तो आपको 5000
70 से लेकर के 5160 के रेंज में ही मंडे के ट्रेडिंग में ट्रेड दिखा जाएगा। और ये लेवल अगर हाँ 5070 का लेवल टूटे तो हम एक बहुत बड़ी गिरावट भी देखेंगे, मींस दोनों तरफ फिर ट्रेंड ऊपर और नीचे का रेंज होगा। मींस मंडे के लिए जो रेंज निकल के आया है एक्चुअली अगर लोअर रेंज जो होगा 5140 से लेकर के 5040, उसी तरीके से अब अगर ब्रॉडर रेंज देखा जाए तो 5160 से लेकर के 5015 का ये मंडे के लिए रेंज होगा। तो मंडे तो इस तरीके से 90 डिग्री to 63 डिग्री के रेंज में अपसाइड और डाउन साइड आपको अभी एक हफ्ता ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी अब तेज़ी और बहुत बड़ी मंदी नहीं आने वाला, रेंज में ही ट्रेड होने वाला है। तो ये रहा हमारा कमोडिटी मार्केट में क्रूड ऑयल की एनालिसिस। आने वाले टाइम में मैं और भी कमोडिटी का एनालिसिस करूँगा। तो आप इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और इस कमोडिटी मार्केट और स्टॉक मार्केट के गैन टाइम साइकिल एनालिसिस और गैन इंट्राडे टेक्निकल एनालिसिस, इसमें आपका गैन इंट्राडे एनालिसिस भी है इसमें, इसके बेसिस पे हम जो भी रिसेंट हाई लो बनता है 1 घंटे 2 घंटे के बेस पे, जो भी कमोडिटी का या इक्विटी का या निफ्टी का हाई लो का टाइम डाल के और प्राइस डाल के हम ये एक लेवल निकाल लेते हैं कि कहाँ पे जाकर के ब्रेकआउट होगा और उसका क्या टारगेट होगा, कौन से एंगल का ब्रेकआउट होगा। ये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बहुत ही अच्छा टेक्निक है। सेम पोजिशनल एनालिसिस में वीकली और मंथली लेवल एनालिसिस कर सकते हैं, जिसमें कि कोई भी निफ्टी या स्टॉक का भी हम कंप्लीट स्टडी एनालिसिस करते हैं। तो इंट्राडे टेक्निकल एनालिसिस के लिए ये दो चीज़ें हमने डेवलप किया हुआ है, और वीकली ट्रेडिंग के लिए और इंट्राडे के पर्पज़ से वोलेटिलिटी और गैन एंगल ऑर्बिट एंगल एनालिसिस, ये दो मिस टोटल 4 फीचर्स है जो इंट्राडे में पैसा बनाने का एक अच्छा एनालिसिस करके आप इससे अर्न कर सकते हैं। फिर भी इस सॉफ्टवेयर को जो लेते हैं उनको मैं 1 घंटे की ट्रेनिंग देता हूँ। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वो हमारे दिए हुए मोबाइल पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और इसकी कंप्लीट 1 आवर की ट्रेनिंग होती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।